नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो अस्तित्व का संकट गहरा रहा है वो सिर्फ किसी एक संस्थान पे नहीं है। खाली जेएनयू का ग्रास नहीं बनेगा, खाली डीयू निवाला नहीं बनेगा, खाली एएमयू चाहे इलाहाबाद चाहे बीएचयू का निवाला नहीं बनेगा। इस देश के सभी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, इस देश की सभी आजाद आवाजें, इस देश का 50% नौजवान, वो सब कुछ इस केंद्र सरकार की दतियानीसी नीति के हवाले चलने जा रहा है, उनके अहंकार की आग में चलने जा रहा है। इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं कि शिक्षकों को, छात्रों को, शिक्षा को बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ा कोई और दूसरा प्रतीक नहीं हो सकता कि जिनके हाथों में यह देश है वो इस देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो अस्तित्व का संकट गहरा रहा है वो सिर्फ किसी एक संस्थान पे नहीं है। खाली जेएनयू का ग्रास नहीं बनेगा, खाली डीयू निवाला नहीं बनेगा, खाली एएमयू चाहे इलाहाबाद चाहे बीएचयू का निवाला नहीं बनेगा। इस देश के सभी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, इस देश की सभी आजाद आवाजें, इस देश का 50% नौजवान, वो सब कुछ इस केंद्र सरकार की दतियानीसी नीति के हवाले चलने जा रहा है, उनके अहंकार की आग में चलने जा रहा है। बताइए, वस्तु के रूप में शिक्षा को बेच दिया जाएगा, पढ़ाई लिखाई जहां पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि पढ़ाई ठीक करिए, दवाई ठीक करिए और खाली ठीक मत करिए, मुक्त करिए, वहां जेएनयू के अंदर जहां 46% बच्चे जिनके घरों की मासिक आय 12,000 रुपए है उनको आप अलग अलग मदों में हाइक देके उनके मौलिक अधिकार से दूर करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पढ़े, आप क्या चाहते हैं कि खाली अमीर पढ़े, अंबानी के बच्चे पढ़े, अदानी के बच्चे पढ़े, जेएनयू में अमीरों की गाड़ियों से छोटे छोटे बच्चे आए पढ़ाई करो, गरीब पूरे पढ़ाई से मजाक बना रखा है तो इससे लड़ना पड़ेगा सर। जो अभी सुनने में आ रहा है कि रोल बैक हुआ है ना, उसको उसके भुलावे मत आइएगा। आप लोग जहां खड़े हैं जम के, वहां जम के खड़े रहिए, आड़े रहिए, लड़ते रहिए, फिरते रहिए। लाठी गोली खाना पड़ेगा इसलिए नहीं कि कोई एक नीति बचानी है, इसलिए नहीं कि कोई एक यूनिवर्सिटी का कैंपस बचाना है, इसलिए कि इस देश को बचाना है, इस सरकार की दतियानीसी नीतियों से बचाना है। आप सभी के इकट्ठा होने का, इसके आप सभी के एकजुट होने की जो धमक है वो धमक पहुंच रही है जहां पहुंचनी थी। इस बात को लेकर आश्वस्त रहिएगा कि जितनी आजाद आवाजें हैं इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको जहां पहुंचनी है वहां पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। माई कलर इस बात की गारंटी है, चाहे कोई कलम तोड़ दे, कागज फाड़ दे, FIR डाल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर आप इकट्ठे हैं तो आपकी आवाज जहां पहुंचनी है वहां जरूर पहुंचेगी। आपके संघर्ष को सलाम करता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं और शाना बशाना आपकी हर लड़ाई में आपके साथ हूं, आपसे एकदम आगे खड़ा हूं। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।